कवर्धा जिले में झंडा हटाने को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रदर्शन हिंसक हो गया। जीजीपी और धर्मगुरु के बीच विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर पार्टी के लोगों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिसमें एसपी डॉक्टर लाल उमेंद सिंह, एएसपी समेत 16 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दरअसल भोरमदेव थाना क्षेत्र के हरमो गांव में कुछ समय पहले गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोगों ने गांव के पूजा स्थल में पार्टी का झंडा लगा दिया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने तय किया था कि पूजा पाठ करने वाली जगहों पर किसी पार्टी का झंडा नहीं होना चाहिए। इसके बाद 14 फरवरी को धर्मगुरुओं ने पार्टी का झंडा हटा दिया था। इसके बाद समाज के धर्मगुरु दुर्गे भगत के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग करते हुए पार्टी के लोगों ने कहा था कि यदि कार्यवाही नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। उसी के तहत शुक्रवार को जीजीपी के लोग प्रदर्शन करने पहुंचे, जहां प्रदर्शन हिंसक हो उठा। भैया गाड़ी आगे बढ़ाना, गाड़ी आगे बढ़ाओ।
आज एक ग्राम हरमो है जहाँ पर पूर्व से एक गांव के बस्ती के पूरे पीछे बीच में पूजा स्थल में यहाँ के जो गांव के जो लोग हैं उनके द्वारा किया जाता है और पूर्व से पूजा करता है 14 तारीख के द्वारा उसमें पुराने झंडा को दिल किया गया। बाद में आज इसमें यहाँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोगों के द्वारा उसके सांसद के द्वारा आज पूजा करने रवाना हुए थे। इस बीच में राजानवा गांव और हरमू के बीच में दो जगहों पर पुलिस के जो बैरिकेड थे उसको तोड़ा गया। बाद में जब यहाँ पहुंचे बैरिकेड लगा करके पुलिस उस जगह को प्रोटेक्ट करके रखी थी क्योंकि उस जगह पर ऑलरेडी उस गांव के जो महिलाएं थे बच्चे थे बुजुर्ग थे उनके द्वारा कीर्तन भजन और पूजा पहले से किया जा रहा था। इसी दौरान जहाँ बैरिकेड अपना किया गया था जिस जगह पर सभी लोगों को पुलिस के द्वारा रोका गया परंतु इनके द्वारा न रुकते हुए पुलिस के ऊपर ही अंधाधुंध पथराव में प्रयास शुरू किया गया। साथ ही साथ बड़े बड़े लाठी डंडे लेकर के आए हुए थे उस लाठी डंडे के साथ में पुलिस के ऊपर प्रहार किया गया तो धीरे धीरे करते हुए पूजा स्थल तक पहुँच गए। चूँकि पूजा स्थल पर महिलाएं और बच्चे वहां पूजा कर रहे थे तो एक समय ऐसा आया कि अगर इनको नहीं रोका गया तो उनके ऊपर किसी प्रकार का आपराधिक कृत्य करेंगे और वो पूजा स्थल को किसी प्रकार का डिस्टर्ब करेंगे। तब पुलिस के द्वारा हल्का प्रयोग किया गया और वहां से इनको वापस तितर बितर किया गया। जब इनको वहां से मौके से तितर बितर किया गया तो उसके बाद में भी वहां से बाहर निकलने के बाद में लगातार गाँव वालों के तरफ में पथराव करने का प्रयास किया गया पुलिस के साथ में पथराव करने का प्रयास किया गया तब इनको खदेड़ने के लिए एक टीयर गैस का उपयोग किया गया। उसके बाद में लोग वहाँ से तितर बितर आंदोलनकारियों ये है जिस जगह पर गांव वाले पूजा करते हैं उस जगह पर ये अपना पार्टी का झंडा लगाना चाहते हैं जबकि गाँव वाले चाहते हैं कि वो सामाजिक झंडा वहाँ लगे तो इसलिए दोनों में विरोधाभास थी। इस बीच में पुलिस के द्वारा प्रशासन के द्वारा लगातार इस पार्टी से बुला करके बात करने का प्रयास किया कि बात करके किसी प्रकार का हल निकाला जाए परंतु जब भी बुलाया गया तब ये उपस्थित नहीं हुआ। इस कारण से हमेशा गाँव वालों के साथ इसका तकरार रहा और आज की स्थिति में भी वो हम लोगों के द्वारा बताया गया था कि आज भी अगर पूजा करने की या फिर किसी प्रकार की बात करने की बात हो तो दो पक्षी बात किया जा सकता है परंतु उस बात को भी इन लोगों के द्वारा अस्वीकार किया गया और पूरे के पूरे भीड़ लगे जा करके वहाँ जाना चाह रहे थे और अपने हाथों में काफ़ी ज़्यादा संख्या में लाठी डंडे रखे हुए थे और वहाँ बच्चे और महिलाओं के साथ किसी प्रकार का आपराधिक घटना न हो जाए इसलिए पुलिस के द्वारा हल्का बल प्रयोग करके उनको तितर बितर 10-15 अधिकारियों को चोटें आई है जिस पर एडिशनल DSP मैं स्वयं और हमारे जो TIs और नीचे के स्टाफ शामिल हैं जिनको ज़्यादा गंभीर चोटें आई थी उनको अभी एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल के लिए रवाना कर दिया गया है। अभी यहाँ के मौके की कार्रवाई की जा रही है इस पूरे आपराधिक कृत्य पर अपराध दर्ज करके अलग से कार्रवाई की जाए। अभी यहाँ मौके की हालात को पहले शांत किया जाएगा उसके बाद में गिरफ्तारी की कार्रवाई। मौके पर पर्याप्त पुलिस बल उपस्थित है मौके पर गाँव वालों को समझाइश दी गई है तो मामला शांतिपूर्ण है।